आप हैवान से लोगों की जान बचाने के लिए हर रात बाहर रहते हैं, फिर आपके होते हुए ये कैसे हो रहा है? मर्जीना के मन में अगर शहजादे के लिए थोड़ा सा भी शक आ गया तो वो शहजादे से शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं कहेगी। मुझे मर्जीना के दिल में ये शक और बढ़ाना होगा। बोलिए ना शहजादे, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपके होते हुए ये कैसे हो रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सारे गांव ये कैसे लगी आपको? कल रात हम पर उस हैवान ने हमला कर दिया था। हमने बहुत कोशिश करी उससे लड़ने की, लेकिन मर्जीना हम भी तो आप ही की तरह एक इंसान है ना। संभालो अपने आप को। इस हालात में भी हमने उसका सामना किया, अगर नहीं रोक पाए। हमें माफ कर दीजिए शहजादे, आप हर रात अपनी जान की बाजी लगाकर हम सबकी मदद करते हैं और हम आपसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। भीड़ को आते हमने भी देख लिया था मर्जीना, हम जानते थे कि आप हमसे ये सवाल जरूर करेंगी, इसलिए आपकी हमदर्दी पाने के लिए हमने ये झूठे घाव पहले ही तैयार कर लिए। जितना चालाक मैं इसे समझता हूँ उससे ज्यादा चालाक है ये शहजादा। मर्जीना की हमदर्दी पाने के लिए खुद को घाव भी दे दिए इसने। आप बिल्कुल फिक्र ना करें मर्जीना, क्योंकि हम बहुत जल्द उस हैवान को खत्म करने की तरकीब ढूंढ लेंगे और खत्म भी कर देंगे। और अपनी आवाम को हमेशा हमेशा के लिए उस हैवान के खौफ से आजाद कर देंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है शहजादे। शुक्रिया। आजाद तो करेंगे हम अपनी आवाम को, लेकिन दुनिया से। रसल खेमा में मौत का साया छाएगा, हैवान का राज होगा रसल खेमा पर। मर्जीना तो खुद से ज्यादा भरोसा करती है इस पर। इसका असली चेहरा सामने लाने के लिए अब मुझे कुछ और ही करना होगा। यहाँ कोई तो ऐसा सामान होगा जिससे वो बकरी वापस इंसान बन जाए। कुछ ढूंढ रही हो वाली सी? नफी और हैदा को अपना आखिरी खुशामदीद तो कह दो। नफी और हैदा बकरी नहीं बन सकते नफी। लेकिन वो तो बकरी बन चुके। और अब तुम इन्हें वापस इंसान भी बना सकती हो। दादी आप ये क्या बोल रही हैं? ये तुम्हारी दादी नहीं है, रोमाना है। वही चोर जिसे तुम कुएं में धक्का मार के आए थे, उसी का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेवकूफ
भाई बहनों को घुमाने के बहाने यहाँ जंगल में लेके आई हूँ। बच्चे मुझे बहुत पसंद है और बेवकूफ बच्चे तो उससे भी ज्यादा पसंद है। क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अली बाबा और छोटे कोतवाल का सच बता दो। बताओ मुझे कि उनका आपस में क्या रिश्ता है, मैं इन्हें इंसान बना दूंगी। क्या करूं मैं? नफी पोए और हैदर को बचाने के लिए मुझे इन दोनों को बताना ही होगा कि अली बाबा जिंदा है और वही छोटे कोतवाल है। मर्जीना को कि वो शहजादा ही हैबान है। मन तो करता है कभी कभी उस छोटे शहजादे को इस आंटे की तरह कूद डाले। इस कमरे में जो घटता है मेरी नजरों से कुछ नहीं छिपता। जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो मेरे पास है। अगर मैं मर्जीना को सच की तस्वीर वाले कमरे में लेकर जाऊं, तो उसे पता चल जाएगा कि कैसे सिमसिम ने शहजादे के साथ उसका सौदा किया है, कैसे उसकी याददाश्त मिटाई है, क्यों शहजादा उसके साथ शादी करना चाहता है। ये सारा सच जब मर्जीना के सामने आएगा तो खुद ही मेरे साथ परवाज चलने के लिए राजी हो जाएगी और फिर हम लोग परवाज में एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमारी कमर टूट गई। जब गिराना ही था तो बचाया क्यों शहजादी आपने? आपको हमें परेशान करकर बहुत खुशी मिलती है ना, तो हमें भी जब मौका मिला तो हमने भी आपसे बदला ले लिया। वैसे ये बताइए कि आप इतने खुश क्यों थे? हम शादी के खाने के बारे में सोच रहे थे, कितना लजीज होता है ना। हाँ लजीज होता तो है, लेकिन उसके लिए आपको पहले लजीज खाना बनाना पड़ेगा। कल गुल की शादी है, आपने दावत की सारी तैयारियां कर तो ली है ना? हो गई है शहजादी, सारी तैयारियां हो गई हैं। हम बस दावत में खाना परोसने के लिए कुछ अच्छे बर्तन ढूंढ रहे थे जो हमें यहाँ दिख नहीं रहे हैं। वैसे शहजादी, हमारे अब्बू बता रहे थे कि इस महल के ठीक नीचे एक खास कमरा है। उस खास कमरे में बहुत सारे खास बर्तन रखे हुए हैं। अब शादी इतनी खास है, आपकी दोस्त इतनी खास है, तो दावत में खाना भी खास बर्तनों में ही परोसना चाहिए। ख्याल तो अच्छा है। वैसे कहाँ है ये कमरा और इस कमरे के बारे में हमें क्यों नहीं पता? लेकिन हमें पता है ना, मतलब कि हमारे अप्पू ने हमें बताया हुआ है, तो हम आपको वहां लेकर चलते हैं। हाँ चलिए चलिए। ठहरिए शहजादी। शहजादी, अभी अभी हमें याद आया, हम अपना बचा हुआ काम निपटा लेते हैं। अजीब इंसान है, कभी बोलता है चलिए, कभी बोलता है ठहरिए। रात होते ही शहजादा हैवान बनकर बाहर चला जाएगा, तब मैं मर्जीना को सच वाले कमरे में ले जाऊंगा जहां सबका सच उसके सामने आ जाएगा। तो आपके कहने का मतलब है कि आज रात हम महल से बाहर ना जाएं? लेकिन आप तो जानती हैं मिजान, कि अगर हम महल से बाहर नहीं गए
तो क्या हो सकता है? शहजादे, आपने बाहर के लोगों को देखा है, वो भीड़ कितनी खफा है, और इसका असर आपके मर्जिना पर भी हुआ। इससे पहले कि आपकी मर्जिना से निकाह की हमारी तरकी बेकार हो जाए, आज रात आपको तहखाने में ही गुजारनी होगी। शहजादे, कुछ वक्त के बाद बाहर के लोग भी शांत हो जाएंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि शहजादे ने हैवान पे काबू पा लिया है। हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश आप कीजिए अम्मी जान। जब एक बार हम हैवान बन जाते हैं तो खुद पर हमारा कोई काबू नहीं रहता, और ऐसे में अगर कोई भी इंसान हमारे सामने आ गया तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अगर शहजादा महल में नहीं होगा तो मर्जीना भी खतरे से बाहर रहेगी। शहजादे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वहां के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। आप जाइए और तहखाने में जाके छुप जाइए। हम सूरज डूबते ही खास बर्तन लेने चलते हैं, तब तक हम अपना काम निपटा लेते हैं। ऐसे भी बर्तन की जरूरत हमें खाना बनाने के बाद ही पड़ी। हम चलते हैं। जी शहजादे। समझ नहीं आ रहा, मर्जीना ने मुझे आज रात महल में रुकने को क्यों कहा है? ये आवाज कैसी? कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया? शादी का घर है, पक्का कोई चोर कीमती सामान चोरी करने आया होगा। रात हो चुकी है, शहजादा हैवान बनकर महल के बाहर जा चुका होगा। यही मौका है मर्जीना को सच की तस्वीर वाले कमरे में ले जाने का। ये जगह तो हमेशा बंद रहती थी, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? क्यों नहीं? जल्दी चलिए शहजादी, वक्त निकला जा रहा है। हाँ? किस चीज की जल्दी है आपको? बावर्ची खाने में बर्तन आपसे बगावत कर लेंगे, अगर हम सही वक्त पर नहीं धुले तो हम कभी साफ नहीं होंगे। लतीफा बहुत अच्छा है, पर वक्त सही नहीं है। मैं आपको बावर्ची खाने नहीं, कहीं और लेकर जा रहा हूँ। चलिए हमारे पीछे आइए। शहजादे, मुझे मत मारे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये महल का कौन सा हिस्सा है? आपको सब पता चल जाएगा, मेरे पीछे भी जाइए। रैप कीजिए। मैं तो आपकी शहजादी की खास दोस्त हूँ, आप मुझे कैसे मार सकते? शहजादे, रैप कीजिए।
ना तो मैं कुल को बचा पा रहा हूँ, ना ही मर्जीना को छोड़ सकता हूँ। ये कैसी कश्मकश है। तो मर्जीना को भी अपना शिकार बना लेगा। इस हवान ने मर्जीना पर हमला क्यों नहीं किया? गुल आप होश में आइए, हम भी आपके साथ हैं। गुल, शिकारी, गुल, आग बहुत तेजी से फैल रही है। आप जाइए यहाँ। हम गुल को छोड़कर नहीं जा सकते। गुल, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं गुल को कुछ नहीं होने दूंगा। बात समझने की कोशिश की जाए शहजादी, हम तीनों मारे जाएंगे। आग बढ़ रही है शहजादी, 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 मुझ पर भरोसा कीजिए। ये मर्जीना यहाँ कैसे आ गई? कहीं इसने शहजादे को हैवान बनते हुए तो नहीं देख लिया? वो हैवान हमारे महल में घुस आया है। उसने उसने गुल पर हमला कर दिया है। गुल, शुक्र है मर्जीना ने सिर्फ हैवान को देखा, शहजादे को हैवान बनते हुए नहीं देखा। अबरान अबरान उनकी जान बचा रहे। उन्होंने बोला कि वो उसे आग से बाहर निकाल ही देंगे। उन्हें अपना वादा पूरा करना होगा। नीचे हर जगह आगे आगे। मर्जीना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता इस आग में कोई बच पाएगा। नहीं नहीं, अपराध ने हमसे वादा किया है, वो गुल की जान बचाकर ही रहेंगे। मैं इन्हें कमरे में लेकर जाता हूँ। हम हकीम साहिबा को बुला कर लाते। कहीं गुल को पता तो नहीं चला कि शहजादे ही हैवान है? अगर ऐसा है तो गुल का मर जाना ही बेहतर होगा, वरना मर्जीना को शहजादे के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाएगी।